एक चित्रकार की पैलेट खाना, एक रूलर चबाना, एक लॉलीपॉप के साथ लिखना या एक रबर सैंडविच बनाना, कुछ भी संभव है हमारे नए खाद्य स्कूल की आपूर्ति के साथ। लड़कियां चुपके से कक्षा से भागने के मौके का इंतजार कर रही हैं। डॉली को आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि शिक्षक को कैसे विचलित किया जाए। डेजी के पास एक योजना है, वह एक खाद्य चित्रकार पैलेट निकालती है। इससे मिस स्मिथ जैसी मीठा पसंद निश्चित रूप से विचलित हो जाएंगी। एक शहद केक की परत से एक पैलेट काट लें। एक डबल बॉयलर में दूध चॉकलेट पिघला लें और हॉट चॉकलेट के साथ केक की परत कवर करें। च्यू कैंडी गूंद लें और उन्हें एक ब्रश का आकार दें। एक चाकू के साथ आवश्यक विवरण स्कोर बनाएं। खाद्य पर्ल पाउडर के साथ कैंडी ब्रश पेंट करें। खाद्य रंग डालते हुए सफेद चॉकलेट पिघलाएं और यह पैलेट पर निचोड़ा रंग की तरह बनाएं। बीच में मीठा ब्रश रखें। अब हमें फैसला करना है कि कौन पैलेट मिस स्मिथ के पास ले जाएगा। डॉली यह निष्पक्ष लड़ाई जीत जाती है। हमने कास्ट किया और डेजी को जाना है। शिक्षक हमेशा की तरह गणित में डूबी है। यहाँ ये आराम लीजिए मिस स्मिथ और नाश्ता करें। वो बहुत हैरान हैं। उन्होंने इससे सुंदर पेंट कभी नहीं देखे। वे बहुत स्वादिष्ट हैं। और पैलेट और भी स्वादिष्ट है। और ब्रश, इसे कहते हैं कला के लिए स्वाद। हम चुपके से कक्षा से भाग रहे हैं जब तक मिस स्मिथ उनका रंग नाश्ता करती हैं। इस योजना ने काम किया। शिक्षक छात्रों का जाना पैलेट खत्म होने के बाद ही नोटिस करती हैं। आउटडोर कक्षाओं के लिए हमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छा है कि मेरे पास एक लॉलीपॉप है। इसके अलावा ये मेरा कैरमल जीवन हैक है। ध्यान से एक लॉलीपॉप से उसकी स्टिक बाहर निकालें। हम इसके बजाय एक बॉल पेन रिफिल इसमें डाल देंगे। पानी में एक चम्मच चीनी पिघलाएं, इसे माइक्रोवेव में गर्म करें। पिघला कैरमल में रिफिल डुबोएं और इसे लॉलीपॉप में लगाएं। मैं अपनी दोस्त को लॉलीपॉप देती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि एक लॉलीपॉप खाने के साथ साथ कलम से लिखना सुविधाजनक नहीं है। डॉली अपने ही हाथों में उलझ गई है और मेरी कैंडी बहुत हैंडी है, क्योंकि यह एक में दो है, कलम कैंडी में है। लिखें और अपने लॉलीपॉप का आनंद लें। हालांकि डॉली इतनी भाग्यशाली नहीं है। डेजी को अभी एक रबर की जरूरत है। मेरे पास एक है, लेकिन मैं एक चीज रबर के साथ अपनी दोस्त से शरारत करूंगी। रबर के आकार का एक चीज का टुकड़ा काटें। जेल खाद्य रंग के साथ रबर पेंट करें। एक खाद्य मार्कर का उपयोग कर एक लोगो लिखें। मैं डॉली से मार्कर लेती हूँ, लेकिन यह काम नहीं कर रहा। इसके साथ कुछ गड़बड़ है। खैर, मेरे दोस्त के साथ भी कुछ गलत है। डॉली एक सैंडविच पर रबर रखती है और हिम्मत से इसे खाती है। इसे बुखार तो नहीं? मैं नोटबुक्स दूर ले जाती हूँ इससे पहले कि वह उन्हें भी खा जाए। यह जितना भी अजीब लगे, लेकिन डॉली को वह रबर सैंडविच पसंद आया। दुर्भाग्य से पिकनिक खत्म हो गई। मिस स्मिथ ने हमें सूंघ लिया। उनके सूंघने की शक्ति ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। अरे तुम लोग तुरंत स्कूल वापस जाओ। लड़कियों को अपने नए स्कूल की आपूर्ति के बारे में घमंड है। डॉली के पास एक स्टाइलिश पेंसिल केस है, बुरा नहीं है, लेकिन डेजी के पास एक दिलचस्प कलम है। डॉली अपनी अजीब पेंसिल दिखाती है, फिर डेजी अपना ट्रंप कार्ड निकालती है। यह एक नई खाद्य नोटबुक है। यह अजीब स्कूल की आपूर्ति प्रतियोगिता में एक जैकपॉट है। चमकीले खाद्य रंग के साथ मुरमुरे का एक बार पेंट करें। सफेद चीनी पेस्ट से रोल करके स्टिक बनाएं और उन्हें नोटबुक के रिंग का आकार दें। एक मुद्रित लोगो पर वेफर पेपर रखें और यह खाद्य मार्कर के साथ ट्रेस करें। खाद्य गोंद का उपयोग कर मुरमुरे के कवर पर वेफर लेबल लगाएं। चीनी पेस्ट के रिंग नोटबुक के स्पाइन पर लगाएं। डेजी कवर से एक रिंग खाती है और बाकी अपनी दोस्त को चखने के लिए देती है। इसे खा लो, डरो मत। कागज के बजाय मेरी नोटबुक में मुरमुरे हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है।
डॉली खुद को रोक नहीं पाती और लेबल भी खा जाती है। ये दिव्य है। मैं एक गुप्त स्वादिष्ट निकालती हूँ जब मिस स्मिथ मुझे देख नहीं रही है। नहीं, ये गोंद नहीं है, ये एक गोंद स्टिक में एक पुश पॉप केक है। एक साफ गोंद स्टिक का उपयोग कर रंगीन वेफर गोले काट लें। एक पीने के स्ट्रॉ का उपयोग कर गोले के केंद्र में एक छेद बनाएं। गोलों को ट्यूब में डाल दें। इसे कंडेंस्ड मिल्क के साथ कवर करें और स्प्रिंकल्स छिड़कें। इसे अन्य वेफर्स के साथ दोहराएं। स्टिक भर लें। मिस स्मिथ एक स्क्रैप बुक बना रही हैं। यह प्यारा मफिन मेरी स्क्रैप बुक में डालने लायक है, लेकिन गोंद फिर से गायब है। जैसे ही मैं अपनी गोंद मिठाई बाहर निकालती हूँ, मिस स्मिथ हमारे पास आ रही है। उन्हें तुरंत गोंद की जरूरत है और बेशक वो मेरी गुप्त मिठाई ले जाती है। ओह, ये अनुचित है। मिस स्मिथ को एक मिठाई स्टैश अप्रत्याशित रूप से मिल जाता है। ये एक अच्छा भाग्य है। मिठाई प्रेमी पुश पॉप केक के बारे में उत्साहित है। ये रंगीन और खस्ता है। यह सबसे स्वादिष्ट केक गोंद स्टिक है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ नहीं बचा जब शिक्षक हमें गोंद स्टिक वापस देती है। मिस स्मिथ ने पूरा केक खा लिया। वर्ग में उब गए। ये एक स्मार्ट खेल खेलने का समय है। ये अच्छा है कि मैंने एक विशेष ABC फोल्डर तैयार किया है। अक्षर हमें मदद करेंगे शब्दों को जोड़ने में और स्नैक खाने में। एक जिप लॉक बैग में थोड़ी चीनी डालें, तरल खाद्य रंग डालें, बैग जिप कर दें और चीनी को रंग लें। अक्षर के आकार की कुकीज को खाद्य गोंद के साथ कवर करें और उन पर रंगीन चीनी छिड़कें। अतिरिक्त हटा दें और कंडेंस्ड मिल्क का उपयोग कर एक प्लास्टिक फोल्डर में मीठे अक्षरों को चिपकाएं। मैं डॉली को मेरे साथ एक खेल खेलने के लिए कहती हूँ। पहले वह इसके बारे में संशयी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे खेल में मजा आता है। अक्षर उज्जवल और रंगीन हैं। खेल पूरे जोरों पर है। अक्षरों के लिए एक असली लड़ाई लगभग शुरू होने वाली है। अचानक मैं इस खेल के बीच एक अक्षर खा लेती हूँ ताकि मेरी विरोधी इसे पा ना सके। स्वादिष्ट। डॉली भी वही करती है। शांत रहो, सावधान रहना, कहीं वर्णमाला गले में न फंस जाए। उफ, लगता है मिस स्मिथ ने कुछ देख लिया। यह इसे समेटने का समय है। मिस स्मिथ मिठाई की आदी हैं। वह एक असली यमी हॉलिक हैं। मिस स्मिथ एक किताब के पीछे छिप रही हैं ताकि हमें उनके जुनून के बारे में पता न चले। वो बहुत भोली हैं। हमें उनके चबाने की आवाज़ सुनकर पता चल गया कि वो वेफर है। अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बारे में सोचिए मिस स्मिथ। आपको अपने आहार में स्वास्थ्य उत्पादों की तत्काल जरूरत है, उदाहरण के लिए चोकर युक्त गेहूं के पतले केक। लेकिन शिक्षक सोचती है ये नंबर एक है जब बात बेस्वाद खाने की आती है। खैर, मिस स्मिथ चैलेंज स्वीकार किया। एक अंडे की सफेदी में 4 औंस चीनी पाउडर डालें, ग्लेज बनाएं, खाद्य रंग की कुछ बूंदे डालें, मिलाएं, एक जिपलॉक बैग में ग्लेज डालें, कोने से काटें और इसे चोकर युक्त गेहूं के केक पर पूरी तरह फैला लें। जब सूख जाए तो एक खाद्य मार्कर का उपयोग कर रूलर हैच बनाएं, आंकड़े लिखें। मैं एक स्वादिष्ट रूलर के साथ वापस आती हूँ। मिस स्मिथ को ग्लेज पसंद आया। वह ध्यान नहीं देती कि एक स्वस्थ चोकर युक्त गेहूं केक रूलर के मुखौटे के नीचे छुपा हुआ है और वह बहुत खुशी से कुछ इंच खाती हैं। और इस बीच हम उसे मिठाई और हानिकारक लत से छुटकारा दिलाते हैं कैलोरी हमले का सामना करते हुए। फिर भी वेफर स्टिक बहुत स्वादिष्ट है। चित्रकला बहुत मजेदार होती है, खासकर जब आप अपनी पेंसिल के साथ नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन एक नियमित रूप वाली नहीं, एक वेफर पेंसिल। एक वेफर स्टिक से थोड़ा फिलिंग बाहर निकाल लें। चीनी पेस्ट से पेंसिल की नोक बनाएं और यह वेफर स्टिक में डाल दें। खाद्य गोंद के साथ मिठाई पेंसिल को कवर करें और खाद्य चमकी छिड़कें। खाद्य रंग के साथ टिप मार्क करें। मैं मीठी पेंसिल लेकर इसे खाती हूँ। मेरी मीठा पसंद दोस्त मुझे खाते सुनती है। वो भी एक वेफर की हकदार है, लेकिन डॉली की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। उसकी सभी पेंसिल लकड़ी की लग रही है, कोई भी खाद्य नहीं है। मैं उसे एक वेफर स्टिक देती हूँ जब तक वह सभी पेंसिल चबा कर देखती है, लेकिन यह मेरी मीठी पेंसिल की तुलना में कुछ भी नहीं। इसके अलावा अगर मिस स्मिथ शक करती है तो तुम कह सकते हो कि यह एक नियमित पेंसिल है।
क्या आपको हमारे खाद्य विचार पसंद आए? तो फिर अपने कमेंट्स में लिखें कौन सी खाद्य स्कूल की आपूर्ति आप खाना चाहते हैं, एक इरेजर, एक रूलर या शायद एक नोटबुक, और हमें थम्स अप देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल पर क्लिक करना ना भूलना, ताकि आप हमारे ट्रूम ट्रूम चैनल पर नए विचार ना मिस करें।